वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो दोस्तों आज हम लगाने वाले हैं 70 माई डेस्क कैम A800 प्लस कैमरा है, इसका इंस्टॉल करेंगे। इसका मैं पहले अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है, उससे पहले मैं आपको आसपास का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं अभी, ये है हमारी नेक्सन XZ प्लस, इसमें हम इंस्टॉल करने वाला है कैमरा। हालांकि थोड़ी गंदी है क्योंकि हमने धोई नहीं है, और ये बेहतरीन नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लोकेशन का आप थोड़ा सा आनंद लीजिए, फिर हम अपना इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। आप कमेंट में जाके बताइएगा कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी, फिर मैं इस लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि आखिर हम कहां पे खड़े हैं। बेहतरीन नज़ारा आसपास का, और ये मेरे साथी, ये मेरे हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम अब मुद्दे की बात करते हैं जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। पहले हम छोटी सी निगाह मारेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वैसे मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। ये जो केबल है मेन कैमरा से, जो रियर कैमरा उसे कनेक्ट करने के लिए केबल आएगा। उसके बाद इसमें हमें मिलता है ये चार्जर, जो कि आपका जो सिगरेट जो चार्जर होता है उसमें लगता है। ये मेन इसका जो पावर केबल है जो इसे पावर करेगा देगा। ये इसका कैमरे के पीछे का जो हिस्सा जो जिसकी मदद से ये चिपकेगा विंडस्क्रीन पे। ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स हैं इसके अंदर दो चार, और एक छोटा सा इसमें टूल मिलता है आपको जिसकी मदद से आपको वायर छुपाना है। ये इसकी मैनुअल है इसमें। ये जो मेन कैमरा यूनिट है इसमें लिखा हुआ आपका 70 माई अल्ट्रा HD 4K बिल्ट इन GPS के साथ आता है। डैश कैम A800S, इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद इसके साथ जो है इसका रियर कैमरा आता है जो पीछे माउंट करेंगे हम। यहाँ पे ये कनेक्टर लगेगा, ये वाला जिससे आप देख पा रहे हैं, ये और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये कैमरा रियर कैमरा फ्रंट कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसे पावर देंगे, ये जो अपना सिगरेट लाइटर वाला जो एडाप्टर जहाँ जो यहाँ पर लगेगा चार्जर, वहाँ से हम इसे पावर देंगे। ये हमारी नेक्सन XZ प्लस। तो अब हम लगाते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे हम फिट करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे जो कि अपना ये फास्ट टैग लगा हुआ है इसके बगल में फिट करेंगे। ये एरिया पहले हम साफ करेंगे किसी लिंट फ्री क्लॉथ से एकदम अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टिकर है उसे लगाएंगे, और उसके बाहर से हमारे जो कैमरे की जो मेन यूनिट है जो फ्रंट कैम है उसे हम चिपकाएंगे। और ये जो इसमें जो कैमरा है ये एडजस्टेबल है, मतलब इसका जो एंगल है आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये यहाँ पे। तो मुझे भी कोई मतलब गाड़ी चलाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि ये जो कैमरा है ये जो IRVM है इसके पीछे छुप रहा है, तो कोई इशू नहीं है करके। तो हम इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टैग है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो बाद में हम इसका जो एंगल है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर लगा देंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर हमने पील ऑफ करने के बाद लगा दिया है। इसके अंदर कोशिश ये करना कि बबल फॉर्मेशन ना हो, हालांकि कुछ बबल फॉर्मेशन तो हुई है, इतने एक्सपर्ट तो हम भी नहीं हैं। तो ये लग गया है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर, तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए लगाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसके पीछे 3M का टेप लगा हुआ है, ठीक उसी पोजिशन में बबल बन गई। बबल कोई दिक्कत नहीं, उतना चलेगा। तो ये इसका जो आप स्टैंड कर सकते हैं कह सकते हैं इसमें ये लगेगा, और इसको इस तरीके से लगाना कि कैमरा आपको ठीक ऊपर से नीचे की तरफ इसमें इंसर्ट करना है। तो सीधा लगाएगा इसको, कोशिश करना है फर्स्ट इन मतलब राइट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इस तरीके से आपको काम करना है थोड़ा सा। तो ये देखिए जनाब लगा रहे हैं इसमें, बहुत सावधानी के साथ, तो इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। तो ये इसका जो माउंटिंग है वो लग चुकी है विंडस्क्रीन पे। तो कैमरा हमने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, अब इसकी वायरिंग देखते हैं।
तो दोस्तों दोनों के दोनों जो केबल हैं वो हमने यहाँ पर लगा दी है, और ये केबल जो है जो अंडर रूफ यहाँ पे हमने इसके अंदर से छिपा दिया है स्टूल की मदद से, ये जो प्लास्टिक का टूल इसके साथ आता है इसकी मदद से। और ये पिलर का जो कवर है ये खुलता है पूरा, हमने खोल दिया है, अब इसको यहाँ से हम अंदर डाल रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों वायर हम वहाँ से ये अपना इसके नीचे से लेके यहाँ पर तो पहुँच गया, और यहाँ पे आने के बाद बाहर नहीं आ रहा था, तो इतना हमें इसमें छेद करना पड़ा यहाँ पे, ये प्लास्टिक में निकाल के इतना सा हमने इसको घिस के ये स्टार जो अपना पे ये है ना स्क्रू ड्राइवर उसे घिस के यहाँ पे इतना वो कर दिया। अब वायर हमारा इजीली अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं फाइनली आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको, हल्का सा। वायर हमने यहाँ पे कैमरे में लगा दी, यहाँ से हमने वो टूल की मदद से जो प्लास्टिक टूल है उसकी मदद से यहाँ पे डाली, अंडर रूफ कर दिया यहाँ से। फिर ए पिलर का ये बाहर का ये कवर खोला, ये कवर खोलने के बाद ये अंदर आने के यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गई इस तरफ, दिख रही है एकदम परफेक्ट, एकदम नाइस, क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्लीन इंस्टॉलेशन जिसे हम कहेंगे, क्लीन, बहुत अच्छी तरीके से छुपी हुई है वेदर सील के पीछे से। वेदर सील के पीछे से छुपने के बाद ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हल्का सा इसको खोला है, फिर ये वायर यहाँ से पीछे छुपने के बाद अब दिख नहीं रहे इसके पीछे से। फिर हमें ये एसी का जो वेंट था ये खोलना पड़ा यहाँ पे, ये खोला हमने यहाँ से पूरा, खोलने के बाद वायर हमने इसके पीछे से डाल दी अंदर। वहाँ पे कोई ऐसा कोई हॉट पार्ट नहीं रहता कि जिससे कि अपना वायर पिघलने के चांस, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे बाहर नहीं निकल रही थी, यहाँ पर बाहर नहीं निकल रही थी, तो यहाँ पे हमने हल्का से उतना ही पार्ट काटा, इसको घिसा, जिससे कि हमारी जो वायर के जो थिकनेस है उतना ही बस, तो हमारा ये काम सॉल्व हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया। और अब हमारे पास फिर भी इतनी लंबी वायर जो है कि बची हुई है, तो ये हमारा यहाँ पे लाइटर ये लगा हुआ है, हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैमरा में कुछ क्या इंडिकेशन शो कर रहा है, हमारा मतलब ये इंसुलेशन प्रॉपर रहा या नहीं, सो फार चेक करते हैं। तो जो पावर सप्लाई है वो हमने फिट कर दी अपने चार्जर में, ये तो मैं थोड़ा सा ऑन कर दूँ, ये क्या इंडिकेट करता है वो देखिए आप। हाँ गाड़ी स्टार्ट करूँगा मैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी मैं, यहाँ पर पावर का जो बटन है वो दबा देता हूँ, ये देखिए जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा देखिए, प्लीज इंसर्ट एसडी कार्ड, ये बोला प्लीज इंसर्ट एसडी कार्ड, ये देखिए मैंने इसका जो पील ऑफ कर दिया बाहर का जो कवर, तो कुल मिला के पावर सप्लाई हमने अच्छे से दे दी है इसको। तो दोस्तों ये है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ऊपर से हम लोग हैं नौसिखिए एमेच्योर्स, तो हम भी कर सकते हैं, तो मतलब इसका मतलब आप भी कर सकते हैं, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस बीच इंस्टॉलेशन चल रहा है, अभी पीछे का कैमरा फिट करना बाकी है। मीनवाइल ये देखिए जनाब, अपना तिरंगा लहरा रहा बड़ी शान से, बहुत बेहतरीन तरीके से। कुल मिला के हमने लोकेशन काफ़ी अच्छी चूज़ की है, ये चौराहा है, इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ये गैंगटॉक जाने का रास्ता है, यहाँ से गैंगटॉक अप्रॉक्सीमेटली 35-40 किलोमीटर्स के आसपास है, और ये जगह है जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, ये है रंपू, और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, तो यहाँ से सीधे सिलीगुड़ी के लिए रास्ता निकल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन थोड़ी सी काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। ये ऊपर देखिए जनाब लिखा हुआ, आप पढ़ पाएंगे, रिनॉक 19 किलोमीटर, पाक्योंग 35 किलोमीटर, पाक्योंग एक एयरपोर्ट है सिक्किम का, मेनला यहाँ से 87 किलोमीटर और सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर, तो काफ़ी बेहतरीन जगह है। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये तीस्ता रिवर बह रही है यहाँ पे, और अभी पानी थोड़ा काला काला सा है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, और आज है डेट 28 अगस्त का, आज का तारीख संडे का दिन, तो अभी ये ब्रिज जो है ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो चलिए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, पीछे का जो कैमरे का पार्ट है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम पीछे का जो कैमरा है उसकी जो वायरिंग है उसको हाइड कर रहे हैं, और ये जो बी पिलर है उसके अंदर वो टूल की मदद से उसको इंसर्ट कर रहे हैं।
और मुश्किल वाला काम तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन जैसा तो नहीं है, आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ DIY प्रोसेस, डू इट बाय योरसेल्फ, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दो दोस्त मिलके, दो लोगों का इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वेदर सील के अंदर हमने छुपा दिया पीछे से, और अब उसके अंदर छुपाना है पीछे, उसके अंदर। हाँ तो प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है दोस्तों, इतना ईजी भी नहीं है बट इतना टफ भी नहीं है। ये भी यहाँ तक हम इसको छुपा चुके हैं। अब अभी भी केबल बहुत लंबी है, केबल बहुत लंबी है, कोई इशू नहीं है। ये केबल इतनी लंबी है कि मतलब कोई बड़ी आपके पास SUV है तो भी केबल सफिशियंट है। अब कहाँ तो निश्चिंत हो कि आप कैमरा ऑर्डर करें, इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो केबल पड़ गई काफ़ी लंबी, तो इतना हिस्सा हम इसमें छुपाएंगे। रुक जा थोड़ा सा, इसमें हम इसका रबर जो है उसको लगाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, वायर सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। मुझे लग रहा है तो बस के जितने, बस में भी लगाना हो तो भी लग जाएगा। जस्ट किडिंग, SUV के लिए लंबी सी SUV अगर कोई है तो आराम से वायर सफिशियंट होगा। तो अब इतना छुपा देंगे हम इसमें पीछे यहाँ पे, और क्योंकि थोड़ा बहुत वायर हमारा जो कैमरा है मॉड्यूल उसमें भी है, इतना लंबी वायर कैमरा मॉड्यूल में भी है, तो वायर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये जो कनेक्टर है ये उसके अंदर फिट हो जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों रियर कैमरा जो है वो भी हमने माउंट कर दिया है, इतना इसका वायर है। लेकिन इसके फिटमेंट आपको ऐसे इंश्योर करनी है, एक बार जब डिक्की ओपन करें तो उसी के अनुसार आपको वायर छोड़ना पड़ेगा। छोटा वायर छोड़ेंगे इसके हिसाब से, डिक्की खोलेंगे तो टूट जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से ना वायर को फिट करना है इसमें, डिपेंडिंग ऑन आपको मतलब, क्योंकि ये जो आप डिक्की खोलोगे ओपन एनक्लोज होगी, तो जब ओपन करके तो तार स्ट्रेच होगा ना क्योंकि ऊपर जाएगा ये, तो उतना वायर आपको छोड़ना है, उस तरीके से आपको फिट करना है। तो बाहर से आप देख सकते हैं जो कैमरे की पोजीशन है वो दिख रही होगा आपको, ये एडजस्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखेंगे इसका एंगल सेट करेंगे। तो ये दोस्तों इसके कनेक्टर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो जो ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला ये जो कनेक्टर इसमें इंसर्ट होगा, तो अब इसमें हम इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान रहेगा जो पिन से आपको मिलानी है, बहुत बड़ा टास्क मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है सांचा पूरा, इसके हिसाब से इसको जो डालना है परफोरेशन दिया हुआ। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया इसमें, तो ये जाएगा यहाँ पे। और इतना पार्ट जो सफिशिएंट है, हम इसे अगर ऊपर नीचे भी करेंगे तो भी ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक बार हम डिक्की बंद करते हैं, ठीक है, ओपन करेंगे तो वायर, जी हाँ दोस्तों सफिशिएंट है। ज़रूरत पड़ेगी तो इस वायर को हम यहाँ पे टेप की मदद से इसे यहाँ पर लगा सकते हैं, इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इंस्टॉलेशन। अब हम जो कैमरा है उसमें माइक्रो एसडी कार्ड डालते हैं और फिर रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू यूज़ GoPro एज ए डैश कैम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अब माइक्रो एसडी कार्ड को इसमें इंसर्ट करते हैं अपने डैश कैम में। तो दोस्तों यह है 128GB का सैमसंग का 128 ईवो प्लस, तो U3 कैटेगरी का ये माइक्रो एसडी कार्ड है। तो ये लगाएंगे इसमें, ये हम इसमें The SD card is damaged. Please change the SD card to continue recording. तो the memory card has been removed. Shutting down the device. The SD card is damaged. डैमेज बता रहा तो ये शट डाउन हो गया है। अब इसको हम करेंगे ऑन, तो ये ऑन हो चुका है 70 बता रहा है। प्लीज फॉर्मेट एसडी कार्ड, फॉर्मेट करने का बोल रहा था। Formatting succeeded. फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अभी मैंने इसको अपने ऐप से कनेक्ट नहीं किया है, इसे मैं ऐप से कनेक्ट करूंगा तो इसका जो फीड है वो मेरे को मोबाइल में मिलता रहेगा। तो इसमें मेरे को टाइम वगैरह सेट करना है, तो बस थोड़ा सा अभी ये इसमें जो टोकन कीज दी हुई हैं ये
मल्टीपल ऑप्शंस में है इसमें, इसमें कोई ये टच स्क्रीन नहीं है, ये कीज हैं, इनकी मदद से इसे ऑपरेट करना है। ये जैसे जैसे की के ऊपर जो निशान बने हुए उसके हिसाब से आगे जाना है, पीछे जाना है, जो कुछ भी करना है। तो नो वीडियो और ये बता रहा है, तो इस पर तभी लगा पाएंगे जब इसे हम हार्ड वायरिंग करेंगे। अभी हमने इसे कनेक्ट किया है जो पावर सप्लाई जो डायरेक्ट है उससे, मतलब जब गाड़ी ऑन होगी तभी ये रिकॉर्ड करेगा। और अगर पार्किंग सर्विलेंस में लगाना है तो इसको डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना होगा अपने बैटरी से, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसका हार्डवेयर किट आता अलग से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा गाड़ी को चलाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बताता है करके। ये अभी फ्रंट रिकॉर्डिंग है, तो ये की है, इसकी मदद से आपको रिवर्स कैमरा, ये रियर रिकॉर्डिंग बता रहा है। कैमरा एकदम परफेक्ट लगा है। तो बीच में दोस्तों ये डिफॉगर का हालांकि थोड़ा निशान वगैरह है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का बहुत बड़ा व्यू ये कैप्चर कर रहा है। फ्रंट कैमरे का जो व्यू है ये भी काफी अच्छा है। 148 डिग्री हांस इसका फील्ड ऑफ व्यू है, काफी अच्छा है। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या बताता है ये। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, आप थोड़ा देखेंगे। मोड़ रहा हूँ गाड़ी में, प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। तो दोस्तों ये था सब कुछ कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। ये जो वीडियो फुटेज है इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।